मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में चुनाव के परिणाम आने के बाद जिस भी दल की सरकार बनेगी उससे पहले ही कैबिनेट बैठक में 13,000 करोड़ के कर्ज को टेक ओवर करने का फैसला लेना होगा। यह कर्ज ऊर्जा से जुड़ी उदय योजना का है, इसे साल 2022 से पहले ही टेक ओवर करना था, लेकिन राज्य सरकार और ऊर्जा विभाग इस पर कोई फैसला नहीं ले पाए थे। अकाउंटेंट जनरल यानी कि एजी के बाद केंद्र सरकार ने आपत्ति ली तो आनन फानन में शुक्रवार को वित्त विभाग ने बैठक करके वैकल्पिक रास्ते ऊर्जा विभाग को बताए। हालांकि इन वैकल्पिक रास्तों पर भी निर्णय कैबिनेट को लेना होगा, यानी कि नई सरकार के गठन की पहली ही कैबिनेट में यह मसला निर्णय के लिए रखा जा सकता है। सरकार का ऊर्जा विभाग से जुड़ी कंपनियों पर 34,000 करोड़ का लोन है। पूर्व में 26,000 करोड़ में से 13,000 करोड़ का भार सरकार पर उठा चुकी है, अब बाकी भी राज्य सरकार को ही उठाना होगा। बिजली कंपनियों के संचालन के लिए बाद में राज्य सरकार ग्रांट या फिर शेयर कैपिटल के रूप में पैसा कंपनियों को लौटाएगी। सूत्रों का कहना है कि 13,000 करोड़ के नए कर्ज को लेकर भी टेंशन में सरकार रहेगी, क्योंकि पहले ही सरकार पर 4.25 लाख करोड़ का कर्ज है।